जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, नासा ने दी ये चेतावनी, धरती की ओर स्पीड से बढ़ रहा 65 फीट चौड़ा एस्टेरॉयड क्या मचाएगा तबाही। बता दें धरती की ओर एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चेस एस्टेरॉयड को चेतावनी दे डाली है। चूंकि इस एस्टेरॉयड आकार बहुत बड़ा है, इसलिए अगर ये धरती से टकराता है तो भयान तबाही मचा सकता है। नासा के वैज्ञानिक लगातार इस पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। आइए जानते हैं ये एस्टेरॉयड कितना होता है और ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके धरती से टकराने से क्या क्या संभावनाएं आती हैं। दोस्तों बता दें, वैज्ञानिक विशालकाय क्षुद्र ग्रह पर नज़र गढ़ाए बैठे हैं। हालांकि नासा ने क्षुद्र ग्रह ने पृथ्वी के संभावित विनाशकारी संकट से इनकार नहीं किया है। यही इसका साइज तो बड़ा है और साथ ही इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज है। पृथ्वी के लिए संभावित खतरों पर नज़र रखने के लिए नासा ने ग्रह की रक्षा NIO बनने के लिए कई क्षेत्रों में विशेषज्ञों की एक टीम को इकट्ठा किया। सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टीज, जेट प्रोपलन और लेबरेटिक और स्मॉल बॉडी डेटाबेस सभी ऐसी कैटेगरी में है। बता दें इस नए क्षुद्र ग्रह को वैज्ञानिकों ने 2022 UD-72 नाम दिया गया है। नाम की 4 अंकों की संख्या उसकी खोज की तारीख अक्टूबर 2022 को जाती है। आपको बता दें धरती की ओर तेजी से बढ़ रहे इस क्षुद्र ग्रह की ऊंचाई अंतरिक्ष विज्ञानों के अनुसार लगभग 65 फीट है और ये पृथ्वी के 4 मिलियन किलोमीटर के भीतर से गुजरेगा। ये एक लंबा रास्ता है। ये क्षुद्र ग्रह 15,408 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के पास से गुजरेगा। अगर कुछ भी अप्रत्यक्ष होता है तो धरती पर पिल्ले आ जाएगा। दोस्तों वह संगठन में नासा के मुख्यालय में एक ग्रह रक्षा समन्वय कार्यालय PDCO स्थापित किया गया है और इसका प्रबंधन ग्रह विज्ञान विभाग द्वारा किया जा सकता है। संभावित खतरनाक वस्तुओं PHOs का समय पता लगाने की जिम्मेदारी PDSO की है। दोस्तों आपको बता दें PHOs क्षुद्र ग्रहों में और धूमकेतु शामिल है। इनकी कक्षाओं को पृथ्वी की 0.05 खगोलीय इकाइयों यानी 5 मिलियन या 8 मिलियन किलोमीटर के भीतर लगने की भविष्यवाणी कर दी गई।